हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन श्लाघया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले श्रव्यं रूपकदमयं ददाति सोपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शुभ सति गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गोरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माताओं बहनों मित्रों सज्जनों वैष्णवों, आज फिर से हरि कथा के साथ मेरे गुरु महाराज की कृपा से आप सबों के सामने सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहनों माताओं मित्रों वैष्णवों, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, भागवत में कृष्ण परमेश्वर है, क्या कृष्ण के अतिरिक्त भी, कृष्ण के सिवा भी कोई और आराध्य की योग्य है? भगवान श्री हरि के अतिरिक्त भी कोई आराध्य की योग्य है? मेरे ठाकुर बांके बिहारी के अतिरिक्त भी कोई आराध्य के योग्य है? मेरे ठाकुर श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई आराध्य के योग्य है? कई लोग इस पे बहस करते हैं। क्योंकि कृष्ण को वो नहीं समझ पाते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पत्ति करने वाला और इसके जो भी उत्पत्ति के कारण हैं उन सब कारणों का कारण कृष्ण है। कृष्ण के अतिरिक्त ना कोई आराध्य के योग्य है और ना ही कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऐसा नाम है
कृष्ण 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 कृष्ण, जो भव सागर से पार कर सकता हो। ये मैं नहीं कह सकता, ये साक्षात भागवत कह रहा है। कलीर दोषे निधे राजन, अस्ति है एको महान गुण। जो कलयुग का सबसे बड़ा गुण बताया गया है, जो कलयुग का सबसे बड़ा जो गुण बताया गया है, वो गुण क्या है समझिए। जैसे एक उदाहरण दूं, ये गर्मी का मौसम है और आप मुझे बताइए, आप सब समझ जाएंगे कि गर्मी के मौसम का जो सर्व उत्तम फल है वो कौन सा है। जो अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम का सबसे उत्तम सर्व उत्तम फल कौन सा है? आप तो समझ गए कौन सा है, आम है क्या नहीं? ऐसे कलयुग के मौसम का सर्व उत्तम नाम कौन सा है? जैसे गर्मी के मौसम का सर्व उत्तम फल आम है, क्योंकि आम को क्या कहा गया है, फलों का राजा। ऐसे ही कलयुग में सर्व उत्तम कौन सा नाम है, कृष्ण नाम। ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूं और इंसान खामियां कर सकता है, इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन शास्त्र परिपूर्ण है और शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ भागवत, 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ, सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत। और भागवत क्या कह रहा है, कलीर दोषे निधे राजन, हे राजन, ये कलयुग दोषों का सागर है, हर ओर दोष, हर ओर दोष, हर ओर दोष, हर ओर दोष, पाप यहां पाप वहां पाप वहां पाप वहां पाप, हर ओर एक दूसरे को नीचा दिखाने की, भाई भाई से कंपटीशन, बाप बेटे से द्वेष, बहनों बहनों के आपस में कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष जेलेसी, इसका माल खा जाना, उसका माल लूट जाना, उसका माल, इसका हक ले लेना, उसका हक ले लेना, उसका अधिकार छीन लेना, लोगों की नीयतें बहुत खराब हो चुकी, स्वार्थ के रिश्ते, स्वार्थ के नाते, ये सब कलयुग। एक तो ये, ऊपर से बीमारियां, ऊपर से बीमारियां, ये सब कलयुग के दोष अवगुण है। ऊपर से बीमारियां और एक से एक नई बीमारी, एक से एक बीमारियां, फिर ऊपर से एक परेशानियां। एक से एक परेशानियां, ये सब कलयुग के दोष है। हर एक को कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई परेशानी लगी पड़ी है। किसी को धन की कमी नहीं है,
तो औलाद अच्छी नहीं है। औलाद अच्छी है तो शरीर में कोई तकलीफ है, अपना दुख नहीं है तो अपनों का दुख है। ये सब कलयुग के दोष चल रहे हैं। किसी को नौकरी नहीं है, किसी की नौकरी टूट गई, किसी को खाने को नहीं है, किसी को खाने को है तो खा नहीं सकता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये सब कलयुग के अवगुण हैं। महामारियां इस टाइप की या कोरोना की, ये कलयुग के अवगुण हैं। और हरि जाने आगे क्या हो। ऐसे ये सारे कलयुग के अवगुणों में अस्ति है एको महान गुण, एक महान गुण है, सिर्फ एक। और एक वो कौन सा महान गुण है, ये मैं नहीं, भागवत कह रहा है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य। जो कृष्ण नाम की ध्वनि है जो हमारे कानों में जाती है, जो कृष्ण नाम का जप है, जो हमारे जिभ से उच्चार होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो कृष्ण नाम की ध्वनि है, कृष्ण नाम का कीर्तन है, कृष्ण नाम जप है, ये सबसे बड़ा गुण है। और ये गुण क्या करता है, ये गुण क्या करता है, कलयुग के सारे दोषों से मुक्त कर देता है। कलयुग के सारे दोषों से मुक्त कर देता है। और मुक्त ना केवल मुक्त करता है, बल्कि ये हमें अपने घर गोलोक धाम भी पहुंचा देता है अंत में। तो और कोई ऐसा नाम नहीं है मेरे हरि के नाम के अतिरिक्त जो जीव को मुक्त कर सके। सारी बीमारियों की जो सर्वश्रेष्ठ दवा है वो नाम है। जिसने नाम का सहारा ले लिया वो अवश्य इस भवसागर से पार होगा। तो परम सत्य कृष्ण, अब लोगों ने क्या किया है, कृष्ण लीला को मजाक बना लिया है। कृष्ण लीला की वास्तविकता को नहीं समझ पाते हैं लोग। और आज छोटी मेंटेलिटी के लोग, संकीर्ण नैरो मेंटेलिटी के लोग, अल्प ज्ञान वाले लोग, असुरी बुद्धि वाले लोग, नकारात्मिक सोच वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ पा रहे। और कृष्ण की लीला को इंसान क्या, देवता भी नहीं समझ पाते। कृष्ण तो परम ईश्वर है ना। और जब मैं कहता हूं कृष्ण परम ईश्वर है तो मेरे विवेक पे कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि ये परम सत्य है, बिल्कुल परम सत्य है। इससे परम सत्य कुछ और नहीं है, इससे बढ़ के कोई तत्व नहीं है, कृष्ण से बढ़ के कोई सत्य नहीं है। ये बात स्वयं भगवद गीता के 7वें अध्याय में
कृष्ण स्पष्ट कर देते, हे अर्जुन मुझसे परे कोई सत्य नहीं है, मुझसे परे कोई तत्व नहीं है। तो ये मानव शरीर मिला ही है गोविंद के गुण गाने के लिए। ये मानव शरीर मिला ही है गोविंद के गुण गाने के लिए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज ये कलयुग में हर और जहां किसी की निंदा करो, किसी के करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछालो, एक लोगों को मौका चाहिए, छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि किसको नीचा दिखाने का कहां मौका मिले, और अगर जिनको मौका मिल गया वो छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखना। क्यों? कि यहां भगवान को लोग नहीं छोड़ते तो आप किस खेत की मूली हो, हम किस खेत की मूली हैं? यहां तो लोग मौका ढूंढ रहे हैं कि कहां कोई मौका मिले और इसको नीचे दिखाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ईर्ष्या द्वेष से तो भरे हुए लोग हैं, जेलेसी से तो भरे हुए लोग हैं, वो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं। तो इंसान को तो छोड़िए, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए कृष्ण लीला की लोग निंदा करते हैं। कृष्ण को क्या समझाया लोगों ने? एक जैसे कृष्ण लोगों के नजदीक एक कृष्ण रोमांटिक हीरो है, भगवान मुझे माफ करे, मेरे शब्द नहीं निकल रहे, और राधा रानी एक रोमांटिक हीरोइन है। लोगों ने बस ऐसे समझा कि कृष्ण और राधा रानी का बस यही काम है, रास रचाना, नाच करना, डांस करना, नृत्य करना। वेद ना समझा कोई देवता, ज्ञानी सब भरमाए, ये कौन समझ पाएगा? पापों के भंडार पे बैठा गिला करे भगवान की, अपने आप को देखे नहीं, अकल देखो इंसान की, खुद पापों से भरा पड़ा है लेकिन दूसरों पे उंगली जरूर उठाएगा। अपने पांव में छाले पड़े हैं और दूसरे को कहते हैं कि तुम लंगड़ा के चल रहे हो, अपने पांव में छाले पड़े और दूसरे को कहते हैं चप्पल ठीक पहनो, अरे उसके पास कम से कम चप्पल तो है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज का इंसान कहां चला गया? ये जो कभी कभी मैं सोचता हूं, ये जो हो रहा है, कहीं इंसान हमारे अपने किसी गलतियों की वजह से तो सब नहीं हो रहा है कहीं? ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं कि कहीं कोई हमारी गलतियों की वजह से यह सब आ रहा है, भोगना पड़ रहा है? लोग कृष्ण के लीलाओं को क्या समझते हैं? क्योंकि उनकी अपनी मेंटेलिटी जिस तरह की है, उनकी अपनी बुद्धि जिस तरह की है, उनके अपने विचार जिस तरह के हैं, ऐसे ही वो भगवान को समझते हैं। एक तो लोगों की गलती है जो समझ नहीं पाए, और एक हम जैसे समझाने वालों की गलती है कि वो कृष्ण को वास्तविक में ऐसे नहीं समझा पाए जैसे कि गीता में है। ऐसे नहीं समझा पाए जैसे गीता में। ये तो मैं बार 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 प्रणाम करूंगा श्रील प्रभुपाद जी महाराज को, जिनकी असीम कृपा से आज विदेशों में लोग कृष्ण की वास्तविकता को समझ पा रहे हैं, और हमारे देश में लोग कृष्ण की
मजाक उड़ा रहे, कृष्ण की निंदा कर रहे, कृष्ण को वास्तविक समझ नहीं पा रहे, कृष्ण क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राधा रानी, राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है और कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। कृष्ण कौन है, आदि पुरुष, और राधा रानी कौन है, हालिदिनी शक्ति। ये राधा रानी भगवान की अंतरिंग शक्ति का मैनिफेस्ट कर रही है, मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्ट हुआ राधा रानी। मुझे उस समय बहुत दुख होता है जब श्यामा श्याम की अमोघ लीलाओं को लोग संसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि ही उतनी है, जो जिनकी बुद्धि वो उतना अर्था है, जिनके पास थोड़ा हो वो बहुत कहाँ से लाए, इन लोगों के पास है ही थोड़ी सी बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले लोग क्या समझ पाए परमेश्वर कृष्ण और उनकी लीलाओं को। कृष्ण की क्या लीला है इस श्लोक से समझिए, भगवत गीता 4th अध्याय और 9th श्लोक। चौथा अध्याय और 9th श्लोक जिसमें कृष्ण क्या करे, जन्म कर्म चमेव दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्तः देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों को अर्थात मेरे जन्म तथा मेरे कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेगा, अपतु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मात्र श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए कि ये दिव्य है, जन्म कर्म चमे दिव्य, ये जन्म कर्म जो दिव्य है, कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, जो परम सत्य है, भगवान सत्य का आधार है, और जो भगवान सत्य का आधार है वो असत्य नहीं, वो सत्य ही बोलेंगे, और यहाँ गीता परम सत्य का आधार है, और इस परम सत्य के आधार में कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति माम एति सु अर्जुन। समझिए मेरी माताओं बहनों मित्रों कि कृष्ण परमेश्वर हैं, उनकी लीलाएं दिव्य हैं, राधा रानी हालिदिनी आद शक्ति का स्रोत है, और मेरे ठाकुर परम पुरुष। प्यारी प्यारी किशोरी राधे, प्यारो प्यारो है नंद जी को लाल। ये संसारिक बुद्धि जिनके अंदर गंध भरा है, गंध, वो क्या समझ पाए। आज हमारी ये हालत है, किसी कॉलेज में किसी लड़के के साथ चार लड़कियां खड़ी होती तो क्या बोलता, अरे वाह रास रचा रहे हो, बड़े कन्हैया बने हो, कहाँ भगवान, कहाँ ये कीचड़ भरा इंसान, और उनकी तुलना, ये तुलना वाले ही पाप के भागी बन रहे हैं। ना कृष्ण लीला समझ पाए, ना कृष्ण को समझ पाए, और टिप्पणी करने बैठे ऐसे जैसे इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी ना हो। यह है कलयुग की बुद्धि वाला इंसान, कितना नीचे, कितना छोटा हो गया है, कितना छोटा हो गया इंसान। आइए मेरी माताओं बहनों मित्रों, कृष्ण की परम सत्य को समझे, कृष्ण परमेश्वर है उसको समझे,
और अपने जीवन को धन्य कर। मैं जो भी कह रहा हूँ ये भगवत गीता मेरे हाथ में है और भगवत गीता के आधार पे कह रहा हूँ। स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से भगवत गीता में कहा है, इसी को जानिए, कृष्ण परम ईश्वर है, कृष्ण परम आराध्य है और कृष्ण का परम नाम कलयुग के दोषों से मुक्त करवाएगा, निर्भय कर देगा और एक दिन समय आने पे अपने घर हमें पहुंचा देगा। इसी नाम की महिमा का वर्णन करते रहो और भजते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा ठाकुर बांके बिहारी लाल राधा वृंदावन चंद्र आप सबों को खुश रखे, आप सबों को तंदुरुस्त रखे, आपके परिवार को खुश रखे, इस देश को सुखी रखे, इस दुनिया को सुरक्षित रखे और इस कोरोना की महामारी से जल्द हम मुक्त प्राप्त हो और ये देश आनंद मंगल करे, ये दुनिया आनंद मंगल करे और मेरे हरि के गुण गाए और हरि के गुण गाकर अपने जीवन को धन्य करे। बजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।